भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार बिगड़े बोल सामने नजर आए हैं। अब इसी का ताजा मामला अनिल विज का है। अनिल विज ने कुमारी सैलजा को रिजेक्टेड माल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लंगड़ा घोड़ा कहा है। इसी पर टिप्पणी करने के लिए हमारे साथ कुलदीप वत्स मौजूद है। कुलदीप जी, लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं। कभी मुख्यमंत्री फरसा निकाल कर खड़े हो जाते हैं, फिर वो जनता से ये उम्मीद भी रखते हैं कि 75 पार, दलित के ऊपर भी वो टिप्पणी करते हैं। इस बारे में कुलदीप वत्स की क्या टिप्पणी? धन्यवाद रामाकांत जी। देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट चीन के मंत्री हैं, चीन का मुख्यमंत्री है, ये घमंड के घोड़े पर सवार है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और एक बात कहते हैं हमारे देसी भाषा में, विनाश काले वृत्ति बुद्धि। अब इनका बुरा समय आ चुका है। जैसे पीछे पूरे ब्राह्मण समाज को इन्होंने कलंकित किया, उनका अपमान किया, मुख्यमंत्री स्वयं एक आदमी मुकुट भेंट कर रहा है, फरसा भेंट कर रहा है, एक अपने समाज के एक जो उनका एक परशुराम का एक फरसा था भाई, उनका चलो भगवान को मानते तो वो उनको दे रहे थे, और वो मुकुट भेंट कर रहे हैं उसी ब्राह्मण समाज के फरसे से दिए हुआ, उसी ब्राह्मण समाज को उसको कहता है तेरी गर्दन काट दूँ, हट, मतलब इस तरीके की बदतमीजी करता है, अहंकार। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस देश में कद्दावर नेता है, दो बार के मुख्यमंत्री रहे, सीएलपी लीडर, एक छोटी मानसिकता का आदमी, मतलब उसकी मैं कहता हूँ जो शिकल है वो ही ऐसी लगती है जी कि जैसे ये पता नहीं कितने दिन हो गए ना ही, तो वो आदमी कहता है ये तो लंगड़ा घोड़ा हो गया है। और एक बहन कुमारी सैलजा है जो दलित नेता है, बहुत बड़ी नेता हिंदुस्तान के अंदर, और कैबिनेट में दो बार मंत्री भी रही, हरियाणा में भी मंत्री रहे, उनके फादर भी मंत्री रहे, और दलित समाज की नहीं मैं कहता हूँ सभी समाज की बहुत बड़ी लीडर है, और आज हमारी प्रदेश की अध्यक्ष है, और महिला भी हैं। जिस तरीके से ये बीजेपी एक राग रखती है भाई, हम गरीबों का सम्मान करते हैं, बेटियों का सम्मान करते हैं, तो क्या यही सम्मान है? इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से ये दलित का, दलित की बेटी का, महिलाओं का, जिस तरीके से बीजेपी अपमान कर रही है, किसान का अपमान कर रही है, किसानों के नेता हैं 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उसका अपमान कर रहे हैं, पीछे इन्हें ब्राह्मण समाज का अपमान किया, तो ये पता नहीं इनकी सोच कहाँ तक इनकी सोच गिरेगी। मैं कहता हूँ उस अनिल विज को इस पार्टी से इन्होंने निकालना चाहिए, और न सारे समाज के आगे माफ़ी मांगे, और ये जो जिस तरीके की ये अपमान कर रहे हैं हमारे नेताओं का, हमारी बहन बेटियों का अपमान करते हैं, हमारी हमारे दलित सम्मान समाज का अपमान किया, ब्राह्मण समाज का अपमान किया, पीछे शायद इसने कहा खट्टर साहब का एक बयान में पढ़ रहा था कि मैं तो पंजाबियों का मुख्यमंत्री हूँ, तो इसको ये शर्म आनी चाहिए कि तेरे पंजाबियों की कितनी तेरी वोट है, तेरे को 36 बिरादरी ने चुना है और इस सीट के ऊपर बैठाया है, तो मैं खट्टर सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और इसका जो इनका भ्रम और इनका घमंड है वो जनता आने वाले समय में जरूर तोड़ेगी। ये हार की बौखलाहट मानते हैं या फिर कहीं ना कहीं घमंड के, वो घमंड से बात करते हैं? देखिए, एक तो हार तो इन्होंने निश्चित हो गई, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आज घमंड इनके अंदर इतना आ गया, हमारे गेस्ट टीचर थे, जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों पर इन्होंने लाठियाँ बरसाई, मतलब जो घिनौने हरकत है, मैं उन बहन बेटियों को देख रहा था, पैरों से पकड़ के पुलिस खींच के ले जा रही है, तो एक घमंड है। और ये आज आपको बता रहा हूँ, चाहे JBT टीचर हों, चाहे गैस टीचर हों, चाहे कंप्यूटर टीचर हों, चाहे और कोई महकमा है, जो भी अफसर हैं, मैं आपके माध्यम से इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपकी जो मांग है, ये कुलदीप वत्स को अगर ताकत मिली और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना, तो हम वादा करते हैं इनकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, क्योंकि आज कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो रोडों के ऊपर नहीं है, हर वर्ग, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे बिजनेसमैन है, आज प्रदेश के अंदर त्राही त्राही माच रही है। हमारे अभी यहाँ झज्जर के अंदर सेक्टर 6 में आपने देखा होगा, 5 लोगों का एक साथ मर्डर, कहाँ सो रहे हैं या कहाँ की प्रशासन की कहाँ की बात करते हैं? आज हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब थे, हरियाणा नंबर 1 था विकास में, हरियाणा नंबर 1 था रोजगार में,
आज हरियाणा नंबर वन है अपराध में, आज हरियाणा नंबर वन है भ्रष्टाचार में। तो इसे लोगों ने मन बना लिया कि इस खट्टर सरकार को वापस इनको लोगों ने ये सबक सिखाना है, और जिस तरीके से इनकी पहले 2-3 सीट आती थी, ये लोग इन्होंने उन्हीं सीटों पर लेके आएंगे। इनको मौका दिया था, पर इस ये मौका ना पाके इन्होंने पूरा अहंकार इनको मंत्रियों ने किया, इनके अफसरों का इनका अहंकार, मुख्यमंत्री को अहंकार, लूट जिस तरीके से इन्होंने लूट मचाई है, जनता इसको इनका सबक सिखाएगी। ताज़ा मामला जो वर्ल्ड कॉलेज का था, राज्य सरकार की तरफ से कमेटी का गठन भी किया गया था, कमेटी ने कॉलेज के पक्ष में ही बयान दे दिया, अब वो लोग केंद्र में जाकर बैठते हैं तो उन पर धारा 144 लगा दी जाती है। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर सबको बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पर इस बीजेपी के राज में बोलना, अगर आप बोलोगे तो आपको पाकिस्तानी कहेंगे, आपको देशद्रोही कहेंगे, आप अपनी आवाज़ उठाओगे तो आपको बस सिर्फ इस गवर्नमेंट में एक ही बात है, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, मुसलमान, हिंदू। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें ना कब्रिस्तान से मतलब, ना हमें पाकिस्तान से मतलब, ना हमें मुसलमान से मतलब, हमें है विकास से मतलब, हमें है रोज़गार से मतलब, हमें है अपने हेल्थ से मतलब। आज हमारे जिस तरीके से हमारे युवा साथी बेरोज़गार फिर रहे हैं, हमें उनको रोज़गार चाहिए, हमें रोटी चाहिए। और ये बात सिर्फ हर चीज़ को मुद्दों से भटकाने के लिए, कभी कोई बात, कभी कोई बात, तो जनता सब जानती है, ना तो पाकिस्तान कहने से पेट भरता, ना कब्रिस्तान कहने से पेट भरता, ना मुसलमान कहने से पेट भरता, पेट तो लोगों को रोज़गार देने से भरेगा, लोगों को विकास करने से भरेगा। भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन में बड़े बड़े लिखे होते हैं कि 65,000 या 69,000 हमने नौकरियां दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 6,90,000 बेरोज़गार भी है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये मुद्दा उठाना चाहिए या समय समय पर बोलते रहना? देखिए, मैं हर वक्त बोलता हूँ, मेरे को ये पहले तो ये बताइए कि 69,000 नौकरियाँ उन्होंने कौन सी दी है, उसका स्पष्टीकरण दे। और जो ईमानदारी की बात वो करते हैं, मैं अपने बादली क्षेत्र की बात करता हूँ, अगर इस मुख्यमंत्री के बाद किसी के पास इतने अगर मंत्रालय हैं तो वो हमारे मंत्री के पास हैं। मैं मंत्री से भी पूछना चाहता हूँ कि आपने बादली हल्के में कितने रोज़गार दिए, हमारे युवाओं को कितने रोज़गार दिया आपने, और कितने आपने हमारे रोज़गार, जो हमारा हक था बादली का, उस हक को आपने बेचा, उस हक को आप दादरी लेके गए, क्यों वो काम कर दिया? खीर खा बांध लटकाव रही, माल खा रहा है बादली से और चौथ कर रहा है दादरी के अंदर, तो शर्म आनी चाहिए। और आज आपको एक और बता रहा हूँ, मैं हर वक्त एक बात कहता हूँ, आप एम्स बाड़सा है आप जाइए, आप में ताकत है, तो अगर आप सच्चे, अगर मीडिया वाले और दिखाना चाहते हो तो आप एम्स में जाइए बगैर कैमरे के, और आप वहाँ की रिपोर्ट लेना, उन बच्चों से पूछना कि आप कहाँ के हो भाई, और कहाँ के हो, बादली के कितने बच्चे हैं और बाहर के कितने बच्चे हैं। दूसरा ये भी पूछना, मैंने कहा भाई तुम कितने पैसे दे के लगे हो, ये ईमानदारी की बात करते हैं। बादली बाड़सा गाँव के अंदर मंत्री गए, वहाँ पर लोगों ने खुला कहा कि मंत्री जी हमारी ज़मीन गई, हमने अपनी ज़मीन दी और एम्स बनाया दीपेंद्र हुड्डा जी ने, और नौकरी आपके आदमी नौकरी बेच रहे हैं, और अगर नहीं हुई हो बाड़सा की चौपाड़ के अंदर तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले जाऊंगा, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आप जाइए वहां पे बाड़सा गांव में पूछिए कि भाई यहां दलाली हो रही है या नहीं हो रही है, आप एम्स के अंदर जाइए पूछिए दलाली हो रही है कि नहीं हो रही है। और आज आपको बता देता हूँ, आचार संहिता लग जाती है, हम इनकी पोल पाड़ेंगे, हमारे पास ऐसे ऐसे आदमी हैं जो इनकी बिल्कुल विदिन प्रूफ के साथ बैठे हैं, और आचार संहिता लगेगी उस दिन मंत्री की सारी पोल पटेंगी कि तने बादली में कितना विकास करा, कितना तने लूटा है, कितना लोगों का माल तने खाया, और बादली की जनता तेरे को जरूर से बताएगी। हाँ, मैं सभी मीडिया पे तो टिप्पणी नहीं करूँगा, बात अगर मीडिया से रिलेटेड बात करिए, कुलदीप बस ने एक ब्लेम किया या लगा लें कहीं ना कहीं चैलेंज किया है, तो हर न्यूज़ अपनी प्रामाणिकता हमेशा देता रहता है। जब गेहूँ खुले में रखे थे तो हर न्यूज़ ने बड़ी प्रामाणिकता से दिखाया, वर्ल्ड कॉलेज के बच्चों में अगर कहीं ना कहीं धनखड़ का नाम दिखाया तो उसे भी टीवी पे फ्लैश किया है, उसका नोटिस भी हमें आया हुआ है, तो प्रामाणिकता हर न्यूज़ पे तो नहीं है। देखिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ, आप बिल्कुल स्वतंत्रता से अपनी बात उठा रहे हो और दिखा रहे हो, पर मैं कहीं ना कहीं हमारे मीडिया के साथी बहुत बड़े लेवल की, मैं आपके लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी, अब मैं पीछे एक बाइट देख रहा था, बहन गीता बुकल जी थी, ओम प्रकाश धनखड़ था,
जब ओम प्रकाश धनखड़ गिरने लग गया तो पिचहत्तर पार करके ओम प्रकाश धनखड़ भाग गया और मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया। पीछे इंडिया न्यूज़ का प्रोग्राम था, मैं झज्जर के अंदर था, मैं स्वयं था, तब हमारे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दलाल साहब वो भी थे, मैं भी था, अजय गुलिया जी भी थे। तो जब बीजेपी से हमने सवाल करने चाहे, बीजेपी से जो हमारे जनता के जो हमने जनता में जाते हैं जो हमारी परेशानियां हैं वो जो हम मतलब उसके हमने पूछा गया, पूछना चाहा, तो लोगों ने उनके 5-7 लोगों ने शोर शराबा कर दिया, मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद, अपनी बातों का जवाब नहीं। उनके पास हथियार है, मोदी जिंदाबाद नहीं, नहीं हथियार है, हथियार लोग समझ चुके हैं, यहाँ मोदी कदम नहीं, यहाँ बादली की जनता, झज्जर की जनता, हरियाणा की जनता ये पूछना चाहती है कि कितना विकास किया, कितनी रोजगार दिया और कितने अत्याचार आप लोगों ने लोगों पे किए, उसका भी हिसाब मांगना चाहते हैं। कृषि मंत्री कहते हैं कि हमने तो अपना बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सरपंचों को पर डाल दिया कि सरपंच खा गए। अगर ईमानदार है मंत्री और सरपंच भी ईमान है तो गांव के बीच में आइए, किसी पे ब्लेम मनने से पहले मैं सरपंचों को भी ईमान नहीं बता सकता। अगर मंत्री मार, मैं मंत्री को भी नहीं कहता, अगर आप इतने ईमानदार हो तो डरते क्यों हो, जनता को हिसाब दे, लोगों के बीच में जाएं। मैं पीछे तुम्बाड़ी गांव में था, तुम्बाड़ी में वो कहने लगे, बोले भाई साहब ऐसा मंत्री हमें पहली बार देखा है कि जो ताला दरवाज़ा बंद करवा के सरपंचों से मीटिंग कर रहा है, तो वो क्या था। अगर आप सच्चे हो ईमानदार हो तो आप आइए, खुल के बात करो। सिलाना का कितना पैसा दिया है, सिलानी में कितना पैसा दिया है, बादली में कितना, मेरे पास सब सरपंचों का रिकॉर्ड है, हर एक और बता रहा हूँ आपके माध्यम से। हमें तो लिस्ट बना रखी इन बरसादियों की, जिस दिन वक्त आएगा 2 महीने बाद इनके एक एक चुन चुन के जो जनता का पैसा था उस पैसे को निकालेंगे और जनता के बीच में लगाएंगे। जिस तरीके की गुंडा राज इस मंत्री ने बादली में बना रखा है, ऐसे 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 कांड हैं। जब लोग आचार संहिता लगेगी, अब जब इसकी जो सिक्योरिटी हटेगी फिर मैं बताऊँगा मंत्री गाँव में कैसे जाता, लोग बताएंगे। हर न्यूज़ से बात करने, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।